तस्वीरें इस समय आप इंदिरा चौक की देख रहे हैं। जी हाँ, जम्मू के इंदिरा चौक की बात करें तो ये तस्वीरें वहाँ की हैं जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस जो है कोरोना कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए, यानी कि जो कोरोना लॉकडाउन लगाया गया है उसे लागू करवाने के लिए मुस्तैदी से अपना काम करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि यहाँ से गुजरने वाली हर गाड़ी को यहाँ पर रोका जा रहा है और उनसे जो है तो ये सवाल भी रह रहा है कि कहाँ पर जाना है और क्या कारणों से जो है उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा। जिस तरीके से कल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला लिया और कल शाम 7 बजे से लेकर सोमवार सुबह 7 बजे तक जो है ये कोरोना लॉकडाउन लगाने की बात कही गई और इसमें सिर्फ कुछ जो एसेंशियल सर्विसेज या एसेंशियल मूवमेंट्स जो थी और साथ ही साथ पास मूवमेंट्स जो हैं वो अलाउ की गई थी और उसके साथ साथ ही कुछ ज़रूरी सामान की चीज़ें जो हैं, जिस तरीके से अगर बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स रहे हों, ग्रॉसरी स्टोर्स रहे हों, वेजिटेबल्स या फ्रूट शॉप्स रही हों, वे ज़रूरी जो सामान थी मीट शॉप्स रही हों, उनका समय जो है सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक का जो है खोलने का वक्त दिया गया, यानी कि उन्हें सुबह के 3 घंटे जो है खोलने का वक्त दिया गया और ताकि लोग अपनी जो एसेंशियल ज़रूरतें हैं यानी कि सप्लाई है घर की वो ज़रूर इकट्ठा कर लें। और ये तस्वीर ये देखिए कि किस तरीके से जो है लोग अभी भी घरों से बाहर नज़र आ रहे हैं। एसेंशियल सप्लाईज की बात करें तो उनका निकलना ज़रूरी है, मेडिकल से जुड़े हुए प्रोफेशन से लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी आगे पीछे जुड़ी हुई ज़रूरतों के सामान से जुड़े हुए लोग बाहर निकल रहे हैं, परंतु फिर भी कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस लॉकडाउन का पालन नहीं करते हुए नज़र आ रहे। ये एक बड़ी समस्या जो है इस समय बनती जा रही है क्योंकि इस COVID-19 की दूसरी वेव की चेन को तोड़ने के लिए जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन कई ज़रूरी और एहतियातन कदम नज़र उठाते हैं। और ये तस्वीरें देखिए कि यहां पर गाड़ी के अंदर ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है मास्क जो है वो नहीं वेयर किया गया है। एसेंशियल सप्लाई से जुड़े हुए लोग हैं, ये एक बड़ी समस्या कि एसेंशियल सप्लाई से जुड़े हुए लोग भी जो है इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण बन रहा है कि जो COVID-19 है उसके केसेस में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। और वहीं इस बार जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर तेज़ी से जो दूसरी लहर है COVID-19 की, यानी कि वो लगातार अपने पैर पसारती हुई नज़र आ रही है, तो वो एक बड़ी समस्या बन रही है कि किस तरीके से इस पर रोक लगाई जा सके। इसी को रोक लगाने के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसले में जो है अगर हम देखें तो कई तरीके से जो है लोग जो हैं इस पर अपना समर्थन देते हुए में नज़र आए, अलग अलग जो लोग हैं इसे समर्थन देते हुए नज़र आए। और किस तरीके से आप देखिए कि हर किसी की यहाँ पर जो गुजर रहा है उसकी जो है चेकिंग यहाँ पर ज़रूर हो रही है, क्योंकि चेकिंग करने का मकसद यही है कि लोग किस कारणों से घरों से बाहर निकले हैं, क्या कारण रहे हैं, कोई ज़रूरतमंद है, किसी को मजबूरी है तो उसे घर से निकलने की अनुमति जो है वो दी गई है, परंतु बाकी लोगों पर जो है ज़रूरत है कि वो जो है अपना पूर्ण रूप से समर्थन दे। और उस समर्थन से ही एक कोशिश जो है लगातार जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की जा रही है कि इस COVID-19 की चेन को तोड़ने में वो कहीं ना कहीं सफल हो पाएगी। तो तस्वीरें आप जो थी इस समय देख रही हैं इंदिरा चौक से, जो कि साफ तौर पर जहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि कड़ाके की धूप इस समय पड़ रही है और इस कड़ाके की धूप में भी जो है अपना काम जो है करती हुई नज़र आ रही है, काबिले तारीफ काम जो कि अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की तो कोरोना वॉरियर्स हैं और कुछ लोग जो है पुलिस को देखकर जो है रुख बदलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या है कि लोगों को जो है इस लॉकडाउन की अहमियत जो कि इस कोरोना कर्फ्यू की अहमियत जो है समझने की ज़रूरत हो। और वहीं अगर हम बात करें हमारे कोरोना वॉरियर्स की तो वो लगातार जो है फ्रंट लाइन पर खड़े होकर जो है अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमने अब देखा कि हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज जो हैं वो प्रशंसा काबिल काम करती हुई नज़र आई। तो वहीं दूसरी तरफ हम कहें तो इसके साथ साथ ही हमने ये तस्वीरें भी देखी कि किस तरीके से हमारी पुलिस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार जो है अपना काम करती हुई नज़र आ रही है। हालात कैसे भी रहे हों और ये तस्वीरें इस समय काफ़ी तेज़ धूप गर्मी को बर्दाश्त करते हुए ये लोग जो हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं और हर किसी से जो सवाल है कि कहाँ जा रहे हैं, किन कारणों से जा रहे हैं वो ज़रूर किया जा रहा है, क्योंकि लोग जो हैं उन्हें समझाया जा सके कि क्या अहमियत है इस कोरोना लॉकडाउन की, यानी कि ये जो लॉकडाउन लगाया गया है 3 दिनों का ये लॉकडाउन जो है उसे लगाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जो है
ये तो कहा जा रहा है कि इस चेन को तोड़ने में जो है लोग अपना प्रयास जुटाएं, पर अभी भी कहीं ना कहीं वो एक कमी जो है वो ज़रूर नज़र आ रही है। लोग जो हैं घरों से बाहर नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन को असफल बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। उम्मीद यही करते हैं कि लोग जो हैं इसकी अहमियत को समझेंगे और इस कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने में अपना योगदान प्रदान करेंगे। जिस तरीके से फेस मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, उसी तरीके से एक छोटा योगदान भी जो है इस महामारी को ख़त्म करने में एक छोटी सी कोशिश डाल सकता है। वही अब उम्मीद यही भी कर रहे हैं कि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए किसी भी तरीके की कोई मुश्किलें ना पैदा करें। तो तस्वीरें आपने देखी इंदिरा चौक की, जहाँ पर साफ तौर पर इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सफल प्रयास करती हुई नज़र आ रही है, अपनी कोशिशें करती हुई नज़र आ रही है। और उम्मीद बस इतनी है कि आम जनता जो है उसमें भी अपना भरपूर सहयोग दे। हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि लोग जो हैं इस लॉकडाउन के दौरान घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और इस कोविड 19 की दूसरी वेव की लहर को तोड़ने में, यानी कि जो इसकी चेन है इसको तोड़ने में छोटा सा प्रयास करेंगे। तो जुड़े रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।